अभी मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ। मंदिर से आगे की तरफ मतलब अहमदाबाद की तरफ 1 किलोमीटर जाने के बाद एक चौक आएगा, कामराज चौक। कामराज चौक से आपको लेफ़्ट टर्न करना है और आगे 10 किलोमीटर जाना है। 10 किलोमीटर जाने के बाद सार्थना नेचर पार्क एंड जू आपको मिल जाएगा, वही देखने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। लगभग 10 मिनट के बाद कामराज चौक से सिटी बस पकड़ के किराया 7 रुपये का था, यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी टिकट लेता हूँ और अंदर जाता हूँ। चिड़ियाखाना का टिकट ले लिया हूँ। 12 वर्ष आयु तक 20 रुपये का टिकट पड़ता है और 12 से ऊपर 30 रुपये का टिकट पड़ता है। मेरा 30 रुपये का टिकट ले लिया। बहुत सारे पर्यटक आज चिड़ियाखाना आए हैं और चिड़ियाखाना का जो व्यू है वो ब्यूटीफुल व्यू है। चारों तरफ हरा भरा पेड़ है और हरा भरा पेड़ का अंदर सब जानवर को रखा गया है। और भी पक्षी बाड़ के बाद आगे जा रहा हूँ। इसी पिंजरे में बहुत सारी पक्षी को रखा गया है। जूम करता हूँ, देखिए वो पेड़ में एक पक्षी है। टाइगर रखा गया है। ये है ऑस्ट्रिच वाड़, बहुत सारा ऑस्ट्रिच वाड़ यहाँ रखा गया है। ये भाई कितने बड़े बड़े पक्षी हैं। ओ भाई इतने बड़े बड़े बाढ़ मैं आज तक देखा ही नहीं। चिड़ियाखाना में लगभग 1 घंटा हो गया है और अभी आधा से ज़्यादा भी देखना बाकी है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, कि बहुत सारे वार्ड में जानवर या तो खाली पड़े हैं और या तो 1-2 ही रखा गया है, ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है मेरे को लगता है। इसलिए हो सकता है कोई जो पहाड़ या और जानवर रखा गया है उनका देहांत हो जाता है। तो गाइस, चिड़ियाखाना का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ज़्यादा इतना जानवर नहीं है या फिर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है ठीक से, इसीलिए हो सकता है डेथ हो जाता होगा। एंटीलोप है, वाइट कलर का एंटीलोप। चिड़ियाखाना घूमते घूमते 2 घंटा हो गया है यार और काफ़ी भूख लगी है। मैं गलती कर दिया कि कोई खाने लायक चीज़ नहीं लाया, स्नैक्स वगैरह बिस्कुट लाना चाहिए और अभी और 1 घंटा लगेगा, उसके बाद बाहर जाके कुछ खा लूँगा। अभी बाढ़ सेक्शन में हूँ और तरह तरह का पैरोट है। सात आठ प्रकार का पैरोट है, मयूर है 1 2 3 4 5 6 मयूर। ये कौन सा बाढ़ है भाई, मुझे नहीं मालूम। ये क्या लिखा हुआ है, पापो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग को मालूम है तो कमेंट में बताना। बाढ़ सेक्शन देख के मज़ा आ गया, 2 घंटे से घूम रहा था, टायर्ड हो गया था, लेकिन बाढ़ सेक्शन में आके रिलैक्स हो गया माइंड। अभी चिड़ियाखाना से मैं निकल रहा हूँ। चिड़ियाखाना को मैं 5 से 4 नंबर दूंगा। परिवेश काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, मनोरंजन है, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा प्लेस है। लेकिन एक पॉइंट इसलिए कट रहा हूँ कि मेरे को जितना एक्सपेक्ट था उतना जानवर देखने को नहीं मिला। पहली बात मेरे को लायन देखने को नहीं मिला, स्नैक देखने को नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे जानवर यहाँ पर नहीं है। और टाइगर भी एक दो है और बहुत सारे जानवर यहाँ पर नहीं है। सिर्फ ज़्यादातर बाढ़ है और दूसरा वार्ड में एक का दुका कोई जानवर रखा गया है, तो इसलिए मैं 4 नंबर देता हूँ। लेकिन 4 नंबर इसलिए देता हूँ कि प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, टाइम स्पेंड करने के लिए आप 2-4 घंटा यहाँ बिता सकते हैं आके। ठीक जू का सामने एक इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान का मॉडल रखा गया है, अच्छा लगता है मॉडल देख के।